नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो वीडियो है, मैंने इंक्यूबेटर में जो अंडे रखे थे दोस्तों, उसमें फर्टिलिटी है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप दोस्तों के साथ आज मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। और साथ में ही दोस्तों, मैंने जो चिकन और डक और साथ में जो टर्की और साथ में जो फैंसी चिकन आते हैं वो, और साथ में आप देख रहे हैं वैसे लव बर्ड और बजरी के एग भी रखे हैं, वो सब की फर्टिलिटी हम चेक करेंगे दोस्तों। और आप अगर मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों, ये इंक्यूबेटर में हमने जो एग रखे हैं उसमें जो फैंसी चिकन आते हैं उसके भी एग है, साथ में जो टर्की आती है उसके है, डक के है, और जो नॉर्मल हमारे जो देसी चिकन आता है उसके, और साथ में ही जो लव बर्ड और जो बजरी बर्ड्स आते हैं उसका भी अंडे रखे हैं मैंने ट्राई करने के लिए कि वो हैचिंग होते हैं कि नहीं दोस्तों। तो उसका भी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों, सबसे पहले हमें एक टॉर्च, मोबाइल टॉर्च होगी तो भी चलेगा, और साथ में जो टैप आती है जो वायर से हम वायरिंग करते हैं वो टैप भी चाहिए दोस्तों, जिससे हमें आसानी से एग जो हमारे हैं उसके फर्टिलिटी चेक करने में मदद पड़ेगी। तो आपको दोस्तों ये दो चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। तो आओ दोस्तों हम एग की फर्टिलिटी चेक करेंगे। दोस्तों ये जो डी लिखा है वो डक के अंडे है दोस्तों, तो उसकी फर्टिलिटी चेक करेंगे। और दोस्तों एग रखे हुए मुझे कम से कम 15 से 16 दिन के करीब हुआ है, तो आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों इसमें भी बच्चा बना हुआ है। और दोस्तों मैंने सब अंडे चेक किए तो उसमें से कम मेरे 4 से 5 अंडे ही ख़राब निकले, और ज़्यादातर अंडों में दोस्तों फर्टिलिटी देखने को मिली, और आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों इसमें भी बच्चा बन गया है। तो ऐसे ही जो भी अंडे हैं मैंने सब बारी बारी सब चेक किए दोस्तों, तो उसमें जो चूजा है वो बना हुआ निकला दोस्तों। तो इंक्यूबेटर ने काफ़ी अच्छा काम किया, और दोस्तों जो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। और दोस्तों जो डेड एंड सेल होता है वो भी आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों, ये भी इश्यू ख़त्म हो गया है, और बच्चा कितना ज़बरदस्त अंदर बना हुआ है दोस्तों। तो उसके लिए मैंने जो लव बर्ड है उसका भी और साथ में बजरी बर्ड्स का भी अंडा रखा है दोस्तों, वो भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे चेक करते हुए। और आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो नॉर्मल चिकन आता है, देसी चिकन हम इसे बोलते हैं, उसका भी एग है, वो भी अंदर काफ़ी अच्छा चूजा बना हुआ है। और आप देख रहे हो ऐसे दोस्तों, जो भी चूजा है उसकी मूवमेंट भी काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दी, और बच्चा काफ़ी अंदर हिलडुल भी रहा था दोस्तों। तो आप देख रहे हो वैसे दोस्तों, जो उसकी स्नायु है जो रेड कलर की वो भी दिख रही है दोस्तों, और हर एक अंडे में काफ़ी अच्छी तरह से भी बच्चे बने हुए हैं दोस्तों। दोस्तों 2 या 3 दिन पहले मैं जो फैंसी चिकन आते हैं जैसे अमेरिकन बेंटम, उसके भी एग मैंने इंक्यूबेटर में रखे हैं, और साथ में ही मेरा काफ़ी कांटेक्ट किया है दूसरी जगह जहां से भी मुझे फैंसी चिकन के अंडे मिलेंगे, वो भी मैं अपने यहां इंक्यूबेटर में रखूंगा। और किसी भी मेरे दोस्त या व्यूअर को वो जब चूजे निकलेंगे तो वो चाहिए तो मैं काफ़ी कम दामों में आपको सेल भी करूँगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों, ये बजरी का एग है और साथ में लव बर्ड का जो एग है वो भी मैंने रखा है। इसमें भी दोस्तों आप देख रहे हैं वैसे, दोनों के दोनों अंडे में जो बच्चा है वो बनना चालू हो गया है, यानी दोनों अंडे फर्टाइल है दोस्तों। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ में ही जो मेरा चैनल है हेतु पेट भरूच उसे भी सब्सक्राइब करना। और आप देख रहे हैं वैसे दोस्तों, ये जो बजरी बर्ड्स है उसका अंडा है वो भी फर्टाइल है, और अंदर आप देख रहे हैं वैसे बच्चा बनना चालू भी हो गया है दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर हेतु।